श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने से दुबई में निधन हो गया। 54 साल की अदाकारा अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ रविवार को दुबई में एक शादी में शरीक होने गई थीं। अचानक श्रीदेवी के निधन की खबर से बॉलीवुड जगत समेत उनके प्रशंसक स्तब्ध हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीदेवी के मुंबई स्थित घर पर नजदीकी लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है, जहां वे उनकी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर को ढांढस बंधा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म धड़क के शूटिंग शेड्यूल की वजह से जाह्नवी फैमिली के साथ दुबई नहीं जा सकी थी। बीते रविवार को ही बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी छोटी बेटी खुशी और पति बोनी कपूर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखी गई थीं। ट्विटर पर देने लगे श्रद्धांजलि। बॉलीवुड ने श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ट्वीट किया है, श्रीदेवी मैम के निधन की खबर सुनकर हैरान और परेशान हूँ। आप उस्तरों पर है, रिक्त स्थान सपाचय। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया है, मेरे पास शब्द नहीं है। श्रीदेवी को प्यार करने वाले हर शख्स के प्रति संवेदना। एक काला दिन, भगवान उनकी आत्मा शांति दे। आप उस्तरों पर है, रिक्त स्थान सपाचय। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का ट्वीट है, श्रीदेवी जी के निधन की खबर सुनकर चौंक गया, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। आप उस्तरों पर है। जूली से किया था डेब्यू। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में जन्मी श्रीदेवी ने 1975 में आई फिल्म जूली से डेब्यू किया था। इसमें वे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थीं। 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बता दें कि श्रीदेवी ने आखिरी बार मॉम फिल्म में काम किया, जो 7 जुलाई 2017 में हुई थी। इसके पहले वे 2012 में आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में नजर आई थी। श्रीदेवी ने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से 1996 में शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी फिल्म में इंडिया 1987 की शूटिंग के दौरान से ही शुरू हुई थी। श्रीदेवी ने अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चौंकाते हुए प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ शादी की थी। श्रीदेवी ने 16वां सावन 1978, हिम्मतवाला 1983, मवाली 1983, तोहफा 1984, नगीना 1986, घर संसार 1986, आखिरी रास्ता 1986, कर्मा 1986 में इंडिया 1987 सहित कई फिल्मों में काम किया।